चलिए आज हम बनाते हैं चिली सोया की एक खास रेसिपी। अभी तक आप लोगों ने चिली पटेटो एंजॉय किया था, चिली पनीर एंजॉय किया था। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरपूर वाला चिली सोया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें ले लेना है सोयाबीन। इसे हमें 10 से 15 मिनट या फिर आप आधे एक घंटे तक इसे भिगा कर रख लें और उसके बाद इसका पानी निचोड़ कर साइड कर लें। फिर उसमें डालें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा डालें इसमें लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लें। सोयाबीन की कोई भी रेसिपी आप जिम वालों को भी एज अ डाइट लंच के टाइम पे, डिनर के टाइम पे दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं एंड ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल और उसे गर्म कर लेंगे। जैसे ही वो थोड़ा गर्म होता है हमें ये सारे सोया चंक्स इसमें ऐड कर देने हैं। अब हमें इसे मीडियम फ्लेम करके अच्छे से सैलो फ्राई कर लेना है। एक तरफ से ये कलर चेंज होता है तो हम इसे दूसरे साइड भी पलट लेंगे और इसे इस तरह से पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड से सोयाबीन अच्छे से फ्राई हो चुकी है, कलर भी आप देख सकते कितना प्यारा आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं साइड में। अब उसी में से थोड़ा सा तेल बचाएंगे और उसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 मिनट तक फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे बॉक्सेस में कटी हुई प्याज और एक हम डालेंगे शिमला मिर्च बॉक्सेस में कटा अब हुआ। इसे लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं सॉटी होने के लिए। तब तक हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं अपनी प्योरी। तो यहाँ पे हमने लिया प्याज की पत्ते, आधा चम्मच लिया कॉर्नफ्लोर, एक छोटा पैकेट डालेंगे यहाँ पे टोमेटो केचप, फिर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, थोड़ा सा डालेंगे विनेगर आधा चम्मच और एक ढक्कन हम डालेंगे इसमें सोया सॉस। अब थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक पतला घोल बना करके रेडी कर लेंगे। ये घोल है वो चिली फ्लेवर का जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देने वाला है। अब इसी स्टेज पे हम ऐड कर देते हैं फ्राइड किए हुए सोयाबीन और जस्ट बनाया हुआ पेस्ट। अब इन सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम करते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से पका लेना है। आप चाहो तो अगर आपको गाढ़ा लग रहा है आप यहाँ पे आधी कटोरी पानी और ऐड कर सकते हो। फिर इसमें डाल दें नमक स्वादानुसार, अच्छे से मिक्स कर लें। फ्लेम याद रहे यहाँ पे लो ही रखना है क्योंकि यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लोर की लरी यूज़ की है तो वो नीचे जल सकता है। आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1 मिनट पकने के बाद हम इसे गार्निश कर लेंगे प्याज के पत्तों के साथ और बस बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार है एकदम लाजवाब और हाई प्रोटीन से भरपूर चिली सोया की ये खास रेसिपी। तो शेयर करिए, सेव करिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। मिलते हैं इसी तरह की नई नई वीडियो के साथ कल। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू।